जय श्री कृष्णा, राम राम, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? तो एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। और आज जो है एक रिक्वेस्ट आई थी कि लॉन्ग हेयर कॉम्ब कैसे किया जाता है उसकी वीडियो बनानी है। तो मैं नहा के निकली थी, आधा घंटा हो गया है, बाल गीले हैं, तो मुझे लगा कि आज वीडियो अच्छा टाइम है मिल जाएगी, क्योंकि स्कूल जाने में भी थोड़ा टाइम है मुझे। तो मैंने वीडियो बनाई है, आई होप आपको अच्छी लगेगी। तो प्लीज़ चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। तो बने रहिए मेरे साथ और देखिए आप भी कि कैसे मैं कॉम्ब करती हूँ और कितना इजीली हो जाता है और कॉम्ब करने का सही तरीका क्या होता है। तो मैं चलती हूँ स्कूल, आप कीजिए वीडियो के मजे, बाय बाय। तो बालों को कॉम्ब करने के लिए सबसे अच्छा तरीका होता है कि बालों के दो पार्टीशन कर लीजिए। जब आप दो पार्टीशन कर लेते हैं बालों के, तो उससे क्या होता है कि बाल बराबर आते हैं और ज़्यादा लम्ब नहीं बनते हैं। अगर आप एक साथ कंघी करना शुरू कर देते हैं तो बाल बहुत ज़्यादा टूटेंगे। और दूसरी कि मोटी कॉम्ब यूज़ करें, हमेशा पतले सिरों वाला कॉम्ब यूज़ नहीं करना है। जितना मोटा कंघा आप यूज़ करेंगे उससे आपके बाल के लम्ब बहुत जल्दी छूट जाएंगे और आपके बाल एकदम से जो है कॉम्ब अच्छे से कंघी हो जाएंगे। ये देखिए थोड़े से ही टाइम में मेरी कंघी एक साइड की हो गई है। अब मैं दूसरी साइड करूँगी और आपको दूसरा तरीका बताऊँगी कि कैसे कॉम्ब करना है। अगर आपके बालों में बहुत सारे लम्ब्स हैं तो बालों को ऊपर से इस तरीके से फोल्ड कीजिए और फिर कॉम्ब कीजिए नीचे से। फोल्ड करने से क्या होता है कि अगर आपके बालों में लम्ब्स बहुत गांठे बनी भी हैं तो आपके बाल खींचेंगे नहीं, जड़ों से नहीं खींचेंगे और आपके बाल टूटेंगे नहीं। अगर आप ऐसे ही लम्ब्स को क्लियर करना शुरू कर देते हैं तो आपके बाल बहुत ज़्यादा झड़ेंगे। ये देखिए मैं कॉम्ब कर चुकी हूँ, मेरे बाल भी झड़े हैं क्योंकि मेरे बाल गीले हैं। गीले बालों में कंघी बिल्कुल नहीं करनी होती है। और ये फिर लेंगे आप पतले सिरे वाला कंघा और फिर आप अच्छे से कंघी कर लीजिए, क्योंकि आपके लम्ब्स छूट चुके हैं और आपके बाल आसानी से इजली से कंघी हो जाएंगे। तो ये मेरे बाल हो चुके हैं कंघी। आई होप आपको अच्छी लगी होगी वीडियो, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब भी करें।